आज मैं और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री साथ में जखो जहां पर बिपोर जॉय लैंड हुआ था वो पॉइंट से लेकर दो तहसीलों के काफी स्थानों पर लोगों की मुलाकात की है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो सगर्भा माताएं थी उनकी मुलाकात की है, किसानों की मुलाकात की है और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत करी है। अंत में आज यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कच्छ की ऑफिस में गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक, सांसद, गुजरात सरकार के सभी अधिकारी और भारत सरकार की सभी एजेंसियां और अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें रिव्यू किया गया है। बिपोरजॉय का जब समाचार आया 6 तारीख को तब बहुत सारी आशंकाएं सबके मन में थी, मगर मैं बहुत संतोष के साथ आज की रिव्यू मीटिंग के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लेकर गांव के पटवारी तक और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी संकटग्रस्त इलाके की जनता के सहयोग से कम नुकसान में आज इस साइक्लोन का स्थापना करने में हम सफल हुए। इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रिव्यू भारत सरकार की सभी एजेंसियों का रखा। उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और सभी अधिकारीगण भी उसमें उपस्थित रहे। फिर भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, मेरे स्तर पर और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनेक बार तंत्र को अलर्ट करने के लिए अलग अलग मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ये सब मिलाकर सजगता के साथ जनता का सहयोग लेते हुए, सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेते हुए बहुत सफलता से हम बाहर निकले। मित्रों, 140 किलोमीटर पर अवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की पूरी टीम को, मुख्य सचिव जी से लेकर गांव के, तहसील के पटवारी और तहसील पंचायत के लोगों तक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े संकट में से कम नुकसान के साथ गुजरात की जनता को बाहर निकाला गया है। एक प्रकार से क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रीम वर्क का। भारत सरकार की सारी एजेंसियां, गुजरात सरकार की सारी एजेंसियां, मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक सारे विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दल और एनजीओ सबने मिलकर समय पर मिली हुई सूचना का उपयोग जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज गुजरात सरकार ने सेट किया है। गुजरात सरकार ने हर तहसील में, राज्य सरकार का एक मंत्री, विधायक तो थे ही, सांसद, केंद्र सरकार के एक मंत्री, हर जिले में प्रभारी सचिव,
हर तहसील में सचिवालय में बैठने वाले सीनियर ऑफिसर और सारे विभागों को एक्टिवेट करते हुए एनडीएमए के साइक्लोन की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्पिरिट में जमीन पर उतारने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि एक भी जानहानि नहीं हुई है, सिर्फ 47 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो, और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट, इतने जिलों के व्याप रखने वाले इस साइक्लोन में से इतने कम नुकसान के साथ बाहर निकलना, साच अर्थ में गुजरात सरकार इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से साइक्लोन का समाचार मिला, पहले दिशा गुजरात की ओर नहीं थी, फिर भी पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने तक रात को 1-1 बजे तक स्वयं निगरानी रखी। कई बार गृह मंत्रालय को, अनेकों बार राज्य सरकार को स्वयं बात कर हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने का जो सूचना दिया, इसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत कम नुकसान में बाहर आए हैं। कई बार मीडिया में चला इतने गांवों में बत्ती गुल वगैरह, मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि एनडीएमए का प्रोटोकॉल है कि जहां 50 किलोमीटर से ज्यादा गति पर हवाएं चलती हो वहां एचटी लाइनों को बंद किया जाता है। इसके तहत 3400 गांवों में बिजली रोकी गई थी, उसमें से 1600 गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी गई है, और मुझे विश्वास दिलाया है तंत्र ने कि 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक सभी के सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। मैं मानता हूं इससे ज्यादा जल्दी से बिजली का रिस्टोरेशन हो नहीं सकता। लगभग 1206 सगर्भा बहनें चिन्हित कर उनको सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया गया। उसमें से एक अस्पताल का आज मैं विजिट कर आया हूं, और साइक्लोन के दिन ही एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया है, उसको मैं मिलकर भी आया हूं, इनकी माता को भी मिलकर आया हूं। सारी सगर्भा बहनों ने संतोष व्यक्त किया है, इनके खाने पीने से लेकर मेडिकल चेकअप तक की सारी व्यवस्थाएं ढंग से हुई है, और ये 3 दिन के अंदर 707 सफल प्रसूति वहीं पर अस्पतालों में की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, संवेदना के साथ ये बहनों को संभाल कर अस्पताल में पहुंचाना और उनकी प्रसूति की चिंता करना। कुल 108,208 जितने सिविलियंस को सलामत जगह पे ले जाने की कार्यवाही हुई है, 108,208। ये आंकड़ा सुनकर मुझे भी बहुत आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में जल्दी से कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता, यहाँ की एक प्रकृति होती है, मगर गुजरात सरकार ने और चुने हुए प्रतिनिधियों ने साथ में रहकर सबको सलामत जगह पे पहुंचाया, इसी का कारण है कि आज एक भी जानहानि नहीं हुई। कुल मिलाकर 73,000 जितने पशुओं को सलामत जगह पर पहुंचाने का काम किया। हवा के तेज झोंकों से और थपेड़ों से वृक्ष उखड़ कर निकल न जाए इसलिए 327,890 वृक्षों का समय पर प्रूनिंग कर दिया गया, जिससे टहनियां और पत्ते कम होने के कारण
हवा इसको जमीन से उखाड़ नहीं सकी और इसके कारण इतने बड़े साइक्लोन के बाद भी कम से कम वृक्षों को नुकसान हुआ है। लगभग 4,317 सभी जिलों से मिलाकर होर्डिंग्स को समय पर हटाया गया। कई सारे साइक्लोन में एक्सपीरियंस में आता था, जब होर्डिंग पवन के थपड़े, हवा के थपड़े जोर से आते हैं तब होर्डिंग उखड़कर बहुत सारे लोगों की जान लेने का कारण बनते थे, परंतु 4,317 होर्डिंग्स को सफलता के पूर्वक उनके स्ट्रक्चर के साथ उतारने की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से हुई। लगभग 21,585 बोट्स जो समंदर में थी उसमें से एक भी बोट समंदर में नहीं रही और 1,00,000 से ज्यादा मछुआरों को किनारे पर समय पर लाकर उनकी जान बचाने का काम भारत सरकार और गुजरात सरकार की एजेंसियों ने किया है। इस पूरी एक्सरसाइज में एनडीआरएफ की 19 टीमें, एसडीआरएफ की 13 टीमें और रिजर्व 2 बटालियन, इस सब ने मौके पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, स्टेट रिजर्व पुलिस, स्टेट की पुलिस, इस सभी लोगों ने मिलकर टीमें तैयार कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मोबाइल टावर जो क्षतिग्रस्त हैं, जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है वहां डीजी सेट लगाए गए हैं, सारे अस्पतालों जहां बिजली अभी तक रिवाइव नहीं हुई है वहां पर भी डीजी सेट लगाए गए हैं और लगभग कम्युनिकेशन की व्यवस्था कंप्लीटली रिस्टोर हो चुकी है, ऐसा संतोष के साथ हम कह सकते हैं। बिजली की सप्लाई पुनः प्रस्थापित करने के लिए 1133 टीमें अब तक काम में लग चुकी हैं और इनके साथ 400 टीमें कल से और जुड़ी जाएंगी। कल पुर्जे जो बिजली सप्लाई को अविरत रूप से चलाने के लिए जरूरी थे उसका पहले से ही यहां स्टॉक कर लिया गया था एडवांस में, जिससे बिजली का रिस्टोरेशन बहुत जल्दी से हो रहा है। यहां का स्थानीय 7600 लोगों का स्टाफ भी बहुत मुस्तैदी के साथ इस काम पर लगा है। मित्रों, आप जानते हैं मीठा के, अगर मीठा के मतलब नमक के प्लांट यहां पर ढेर सारे हैं, गुजराती में कहूं तो मीठू बनावना कितलाय अगरिया भाइयों, बहुत सारे ढेर सारे मजदूर यहां पर वो प्लांटों पर थे, उनको भी सफलता के साथ बाहर लाने का काम किया गया है। और मैं मानता हूं कि समग्रता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर सफलता के साथ बिपोर जोय का सामना किया है, एक भी मानव मृत्यु नहीं होना, ये तंत्र की सफलता है ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं। कम से कम इंजर्ड, कम से कम पशुओं की मृत्यु और कम से कम पेड़ और वृक्षों का उखड़ना, ये हमारे लिए एक नजीर बनी है कि समय पर की सूचना को किस प्रकार से सावधानी के साथ इंप्लीमेंट करें तो बड़े से बड़ी होनारत से बचाया जा सकता है। और एनडीएमए ने जो गाइडलाइन साइक्लोन के लिए बनाई थी वो गाइडलाइन की मैं अभी रिव्यू कर ही आ रहा हूं, इसलिए आपको कह सकता हूं कि 100% गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन गुजरात सरकार ने जमीन पर किया है। ये गुजरात सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही है, हर बार साइक्लोन आता है उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदना के साथ इसकी चिंता करी है, गृह विभाग को भी सचेत किया,
राज्य सरकार को भी सचेत किया और हर छोटी छोटी चीज का चिंता करते हुए हम सबको काम करने की प्रेरणा दी है। और एक कुल मिलाकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में एक अच्छे टीम वर्क के कारण आज एक बहुत बड़ी हुनारत, बहुत बड़ा साइक्लोन कम से कम नुकसान में हम पार कर रहे हैं। और मैं इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, लगभग 40 सालों से पहले कार्यकर्ता के नाते और 30 साल से चुने हुए प्रतिनिधि के नाते कई जगह में गया हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जाने के बाद कोई कंप्लेन के बगैर हंसते हुए चेहरे दिखने मिले हैं, वो बहुत संतोष की बात है। इवन जो किसान जिनकी बाड़ियां उखड़ गई वो भी कहते थे कि साहब व्यक्ति बच गए हैं, बाड़ी तो फिर से बन जाएगी, आप सहायता करोगे ही। इस श्रद्धा के साथ सबने इस काम के प्रति अपना संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। धन्यवाद। आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो जरूर पूछे। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है जो विस्थापित हुए हैं उनको अपने घर में रिस्टोर करना। सहायता का पैकेज का एक पैटर्न बना हुआ है, इसके आधार पर गुजरात सरकार पैकेज बनाएगी और इसकी घोषणा करेगी। अभी बिजली का रिस्टोरेशन, पीने के पानी की सप्लाई को 100% चालू करना, वो तो आज भी चालू है। और जो विस्थापित लोग नागरिक है उनको अपने घर में सलामत तरीके से पहुंचाना, ये हमारी प्रायोरिटी। मुंद्रा आलू का खारिज क्रॉप माना जाता है, वहाँ खारिज के पेड़ों को बहुत सारा नुकसान हुआ, आज ही रिव्यू में तय हुआ है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ जितने हॉर्टिकल्चर है, अनार है, खारेक है, आम के पेड़ लगे हैं, ये सभी के एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया जाएगा और आने वाले 3 महीनों के मौसम में को ध्यान में रखकर कितना कम से कम नुकसान किया जा सकता है, उसको फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये भी करेंगे। और इसके साथ जिनका नुकसान हुआ है स्वाभाविक रूप से रिहैबिलिटेशन के पैकेज में इसकी भी चिंता की जाएगी। नहीं, सर्वे की टीमें आएगी जो सर्वे कर यहाँ पर गुजरात सरकार की टीमों के साथ सर्वे कर करेंगी। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े तय हैं, वित्त आयोग ने सारे नॉर्म्स कंक्रीट जैसे बना लिए, जिसको 1 इंच को इधर से उधर नहीं कर सकता, इस हिसाब से भारत सरकार काम करेगी। नहीं, देखिए सिर्फ गुजरात नहीं, विगत 9 साल में जितने भी साइक्लोन आए कम से कम लोगों की जाने गई। उड़ीसा सरकार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बंगाल सरकार ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ये मोदी जी यहां से गुजरात से देश के प्रधानमंत्री बने और यहां भूकंप के बाद यहां मुख्यमंत्री बने थे, तो आपदाओं के लिए उनका संवेदनशील दृष्टिकोण था। इसके कारण इन 9 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गुजरात सरकार ने राज्यों को साथ में रखकर एक बहुत बड़ी ताकत देश के अंदर खड़ी की है। एनडीए में बना, एनडीए में पॉलिसी डिसीजन लेता है, एनडीआरएफ बना, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की रचना हुई और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट रिजर्व पुलिस, ये सब में ढेर सारे लोगों को ट्रेन करने का काम हुआ है। एक बड़ी फौज तैयार हुई है जो किसी भी प्रकार की आपदा के सामने लड़ने के लिए तैयार हो। इसके लड़ने के लिए ढेर सारे उनको साधन और संसाधन दोनों दिए गए, इसी का ये नतीजा है। और मगर मैं मानता हूं कि एक भी व्यक्ति की जान न जाना, इसके लिए गुजरात सरकार अभिनंदन की अधिकारी है। सर, साइक्लोन के अंदर अगर किसी मछुआरों की बोट को डैमेज हुआ है तो उसकी तरफ से सरकार को निश्चित रूप से इसका भी सर्वे होगा। सर, सीमावर्ती इलाका है ये बॉर्डर का, भाई बाकी लोगों को जरा पूछने दो। सर, चक्रवात से पहले भी बिन मौसम बारिश हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ और इस बार भी चक्रवात के साथ जो तेज बारिश हुई, सर मेरा सवाल, उसकी वजह से मुंद्रा तालुका का खेंगा सागर डैम ओवरफ्लो हुआ है और वापस से बाढ़ के हालात बन रहे हैं, तो किसानों के लिए कोई अलग से पैकेज? मैंने कहा ना, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के पैकेज पर राज्य सरकार चिंता कर कुछ ही समय में इसको घोषित करेगी। सर, प्राथमिक सर्वे में कितना नुकसान जाना है? अभी प्राथमिक सर्वे हुआ नहीं,
निर्देश जो पिछले जो काम हो चुका है, जो पावर बिल का संकट से निकले वो काम आया है, जो अभी का तंत्र जो दिन रात नहीं, ये टीम वर्क का नतीजा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टीमें और गुजरात के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी राज्य सरकार की मशीनरी ने एक टीम बनकर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, इसी का ये अच्छा नतीजा है। सर, जैसे कि हमने देखा कि सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोड में काम किया है, लेकिन क्रीक इलाके में कोई बीएसएफ के इंस्टॉलेशन को कोई डैमेज हुआ है क्योंकि टकराए क्रीक इलाके में? अरे यार, बीएसएफ की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं करूंगा। मुझे लगता है आपके सवाल समाप्त हुए हैं। देखिए, हमारा अंदाज है कि परसों रात तक सारे लोगों को अपने घर पे भेजने का काम समाप्त हो जाएगा। एकदम आंकड़ा अभी देना ये मुमकिन नहीं है, परंतु लक्ष्य रखा है कि 20 तारीख की शाम तक सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर देना और परसों शाम तक सभी लोगों को अपने घर के अंदर वापस भेजने का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद।